उसके छाती का हार बच गया, ले जाके कोल्हू के ऊपर रख दिया। उसी तरह से जितना दबा था कोल्हू में उतना अंदर, और जितना बाहर था उसी तरह से छोड़ दिया, कोल्हू उसी जगह छोड़ दिया। लाश उसी में पड़ी रही, निकाला नहीं, कफन नहीं दिया, और मूरी काट कर जा बस हरनी लेके रुदल आए के मौसी मलहना के दे दे, मलहना आशीर्वाद देती है, बाप बेटा जियो। अरे पयलान किया द्वारे पयलान किया करिया, देवला के कटाला दूनों छातिया, द्वारे पयलान किया देखिए बुरा का बदला बुरा ही होता है, भलाई का बदला भला होता है। जो दूसरे को बुरा कहता उसका बुरा स्वयं होता है। लेकिन देखिए करिंगा बुरा किया क्या इसका इल्जाम अब भुगतेगा। अब आगे सीन पर देखिए, अब इधर देखिए दुश्मन तैयार होता है किस तरह से। देवला का छाती लिया कट वाए, आल्हा के कोल्हू में परवादा, जन्मे लड़ी का पेट से आगी में भुज वाए। ए भैया सब इंसान हो लेकिन सबकर हृदय अलग अलग होले। अरे एक ठे सिपहिया बाबू दया ओकरे आए रतियाई में गियर लेके चल लए हैं पर जाई के निदेवला रानिया जनावे। अरे रनिया रो अतिकाई अंगन में बाटुया, तुहरे बलमुआ के कोल्हू में पेरवाई जले। अरे बरगत डरिया देहले खोपरी वन का नाए, दूनों अस्थनवा बिहने तुहरा काटी ले। आल्हा के कोल्हू में दे पेरवाए, जल्दी से रनिया अब किला तन भागी जाएबो, और नहीं तो इज्जतिया तोर माटी में मिली जाए। कहती है के करे गाले से बलमा, हमके लगाला बोझली ना वरिया मजदारा में बोलला। अरे के करे सजाना के कहा बैसो जानवा, हाय हो सजानवा हमारे के करी हमके डार है सजना हमारे। सिपाही का था करे और यहाँ रोवत, अब वह करिया सिपाही कुली आ जाई है तो दोनों स्थान काट लिए, आल्हा के पकड़ ली, तब का करबू जल्दी से भगा। देवला उस समय कसम खा गई, उस समय गंगा का पानी लेकर के देवला रानी कसम खाती है कि जब तक मेरे बच्चे सयान न होंगे, जब तक मेरे बच्चे सयाने नहीं होंगे, जब तक अपने बाप का बदला नहीं लेंगे, तब तक अपना मांग का सिंदूर नहीं धो सकती। जब तक मेरे बच्चे बाप का बदला नहीं लेंगे, तब तक चूड़ी रार की नहीं हाथ से उतार सकती। कब तक कि जौने दिन लड़ी का सयाना होई, मारो ले बाप कैदा, जैसे करिया सिंह कोल्हू में पेरवलें,
जैसे जम्बे सिंह कोल्हू में पेरवलै वैसे लड़िका जम्बे के कोल्हू में देई पेरवाए, और जब वही के खून से सेनहुर धोई बै पानी से सेनहुर धोई बै ना, जैसे करिया गर्दन कटलें वैसे लड़िका हमार करिया के गर्दन कटी है, उनके खून से चूड़ी रंगब अपान, जब चूड़ी उनके खून से रंगब वही दिन चूड़ी देब उतार। ये प्रतिज्ञा कई के और फट हिल गरियल बदनिया पे पहनैली आला के अंगुरिया धरावै दूला हिनिया है। रोवत कई रतिया में भागैली गुजरिया हो जाई पहुंची दिल्ली नगरिया गुजरिया। जाय के पृथ्वी राधा के गोरे गिर के कहे प्यारे बिरनवा, अरे प्यारे बिरनवा, अरे मोरे पृथ्वी बिरनवा बचाई लेता हमरो धारा मावा, अरे मोरे पृथ्वी करिया दुश्मन बन के पति के मरव वल्ले हमारे अस्थनवा कटावे करिया चाहले, अरे हमरो मारे चाहे ललनवा हमरो बचाला अब धरे मवा। उठैबियू देवला कहे मंजूर बा, कहे आधा रोटी पैबी कहे मंजूर बा। पृथ्वी कल की आल्हा तुहार 5 साल का लड़का हम कुछ न कह सकी होकर मजदूरी न दे, देवला कहे अपने रोटी में से तोड़ के खिया ले लेकिन हम टिकाला। भैया दिन भर चक्की डुलावे शाम के सूखी रोटी आधी ये पावे, आधी में से आधी तोड़ के आल्हा खियावे आधी अपने। आहा एक दिन रहना पुल जाय के माहिल करिया से कहते कि तू यहां बैठल होगा तुहार दुश्मन पृथ्वी राजा के पास पलत हो, जल्दी से जल्दी उके पकड़वावा नहीं तो फिर बदला ले चुका है। करिया चिट्ठी लिख दिया पृथ्वी के पास कि मेरी देवला रानी गोबर कढ़ी मेरी नौकरानी है, मेरे हवाले कर दो नहीं खन के किला देवगिर। अरे जमेगी कहानी यहाँ पे रसे रसे, जमेगी कहानी यहाँ पे रसे रसे, बदला चुकेगा वहाँ पे रसे। हाँ जमेगी कहानी यहाँ पे रसे रसे। लेकिन देवला रानी के पृथ्वी राजा पकड़ के झोटी रात में बहिरा दे तो दिन भर चक्की डलौले लेकिन दया ना आई, 52 घर घूम डलक क्यों जगह ना दिल। तब रोवत कर रनिया जंगल वही में फेंक रही हे अब हम के करी न गरी है हो जा। देवला के बहिन रहे ओकर मलहना नाम रहे महोबा में रहती रहे राजा परमालिक की दुल्हन थी, उसके पास रोती हुई पहुंची मलहना टीका लहलस। लेकिन माही आई के या करिया से कहे कि अरे तुहार दुश्मन महोबा में हो। तब करिया चिट्ठी लिख दल कि राजा परमालिक हमारी गोबर कढ़ुई देवला को जल्दी मेरे हवाले कर दो, दोनों स्थान काट के नंगी कई। लेकिन परमालिक आई के मलहना से कहे कि अरे जल्दी एक बहिरा दे पृथ्वीया नाटिका पौले तो करिया आई तो हमहू के मारी तुहू के मारी किला लूट के ले जाई हमरे के हो लड़वैया ना सैयद रहें बनारस चल गई ले जसराज बक्षराज मर जाए के लड़वैया हमरे घर में के करिया कतेगा रोकी जाए। लेकिन मलहना कहलस
तना कह जन्म लेला मर दे घर पगड़ी बन ले के धीरकार लड़की होई के जल मल होता के मर दे संग होता विवाह दई के कजरवा टिकुली बैठा कोने बैठी मिजावा गाल राजा तह मैं गलवे मिजाई बौसान में जान गवई बालाए मलहना कहे त दे दातेगा हम करिया से गहब तलवार परमल तलवरिया दे दे कहीं गढ़ हमरे बस कह हो नाय ए भाई ए तब मलहना त धई के डटलाए बलमा जी अबे के धिरकार लहंगा चुनरी मोरी पहिन लिया बैठी कोने मिजावा गाल कहे कि बलकन में हर रुए रहबे सान में जान गवई बेनाय ए भैया करिया से बड़े बड़े वीर हदसत रहे तो राजा परमाली कलह मार बुढ़ाई बा हम लड़ पाई ना तेसे बढ़िया की औरत है बन के शान में जान गवाई ना चिट्ठी लिख दिले करिया के नाम कि हे करिया जितने तोहरे पास वीर लड़वैया जितनी तोरे पास गोला हो जितने तोरे पास हाथी ऊंट घोड़ा हो पूरी फौज लेके अब हम औरत का जात हई तो से जम के लड़ब दीपति कवि नरेश जम गई है पूरा गाना बादस्तान आया लारो दल कह सुना आहा हा लेकिन देखा यार लिख करके चिट्ठी जब मलना भेदलस करिया के पास यार करिया के पास एक चिट्ठी भेजलस एक एक चिट्ठी बानोगढ़ राजाओं भेजलस कि गाय बन के देवला डकर रही है कसाई करिया बन के उसके स्तन को काटना चाहता अगर धर्म हिंदू और मुसलमान हो तो एक अबला नारी की मदद करें बस हिंदू राजा गाय का गोहार सुनी लियल झट खींच चले न तलवार बुढ़वा बुढ़वा छर काए लागल है कदरौ कुदाए 42 हाथ कोई कहे करिया के दिखाए दिया था परान दे भय मुआए केहू कहे करिया के देखबाए चिरी दुई टुकड़ा दे भय बनाए बूढ़वे कहे करिया के दिखाई दा मरबो जन्म नाश हो जाए कदरा कहे करिया के देखबाए पट भाले पहले भय उठाए बावन गढ़ कई बीरवा गर जाए ले छतिया भय ढाली तलवार हिंदू राजा त दौलत बाटे मुसलमान बनारस से आओ हिंदू राजा गर्जत बाटे मुसलमान सैयद तैयार सातौ बेटवा मियता लहन के एक से एक दऊ अकेला उन्नन फुन्नन यौ दल थम्मर बेटा अली बेद सुल्तान आ संघी के रहल अहिर घमंडी कोण हरिवाल नौ साय गण सन काय सरदार बवना चोर रहल पूरी हाल काय नौ साय डाकुन काय सरदार चले बहादुर बनारस वाले कमर कसे ढाली तलवार ए बाबू बवन करके राजा तीधर उमर करके मोहबा में आकर के चौमुख से घेरा डाल दिया कि कोनो तरफ से करिया आवे तो के तोप से उड़ा जा एक अबला नार को सता रहा है दुष्ट इस हत्यारों को बिना मारे छोड़ेंगे नहीं सब ये प्रतिज्ञा कह लहल लेकिन करिया की जब चिट्ठी गई मलहना का कि हम औरत हो के ललकारत है हम एड़ा गाड़प तो से लड़प करिया अपने बीरन से कहल कि अरे अबला एक औरत हो के ललकारत हो तो मर्दे के जीवे के धिकार कहन बीरो तेगा लेके पकड़ की झोटी पटका मर जाए औरत का नाम सुन के करिया के वीर जतने रहे बुढ़वा बुढ़वा छरके लागे कदरों कुदे 42 हाथ तार ठोकी के बुढ़वा कुदे ले छतिया में ढाली तलवार बुढ़वे कहतनी ओके दिखाई जा थपरन थपरन देबे मुआ कदरा कहतनी ओके दिखाई जा चीर दुई टुकड़ा देबे बनाए क्या काम है तेरे जमाना की
कहे जिनकी बीवी मोटी उनका भी बड़ा नाम है, कंकड़ पे लेटा दो गद्दे का क्या काम है। वाह भैया, गद्दा तो मंगनी में जाला का बीवियों मंगनी में जइए हो। और का कहे जिनकी बीवी लंबी उनका भी बड़ा नाम है, कोठे से लगा दो सीढ़ी का क्या काम है। सीढ़ी तो मंगनी में जाले भैया, ऊ मंगनी में जइए हद तेरे जमाना के जरो। वही के सब सुना ला बड़े प्रेम से, बड़ा मजेदार गाना, बड़ा मजेदार हो तो कभी। लेकिन यो मुमकिन है बा कि बिरहिया लोग बना दे कि जिनका मियां मोटा उनका भी बड़ा नाम है, गाड़ी में लगा दो भैंसे का क्या काम है। और जिनका मियां लंबा उनका भी बड़ा नाम है, तंबू से लगा दो बंबू का क्या काम है। लेकिन हमारे संत कबीर का बनौले वो नहूं का नमकीन है बातनी सुना। लेकिन नमकीन बुझे वाले नमकीन बुझिए, बुजुर्ग दादा लोग अपन बात लाइन सोचिए, लड़िका कुल अपन बात सोची है, तीनों अर्थ बा यही में सुने। कैसे कबीर दास कल है कि तू तो नारियल देली वाले ठाले के नावेले का है बनावे। कबीर दास कैसे कहे तू तो नारियल बेली बनठन के नवेली, कहे घूमेलू अकेली दुपहरिया में। हाँ, कि कहीं मिली है बदमाश तू है, कर है सत्यानाश दाग लगी जाई तू हरे चुनारे समय में लेके पलटन करिया जब पहुंचल, तीन कोस मोहबा रह गए, तब अपने एक सिपाही से कलक बाबू जल्दी से, सिपाही कहे कि जाए के बता दा कि गोबर कढ़ुई देवला को नंगी करके भेज दे। सिपाही जब मोहबा के सरहद पर पहुंचल तो समय हाथी समय घोड़ा समय तोपी सजावल बाय लप लपात बल्लम कै बेला चमचमात टेगल कै धार मरमरात गजरत कै पहिया तड़तड़ात घोड़न कै नाल गिलबिल गिलबिल मोगल बोले मर्दो यली यली पठान टेढ़ी जतिया रजपूतन कै झमझम खींचली न तलवार कौनो कहे करिया के देखबे चीर दुई टुकड़ा देबे बनाए सिपहिया भाग कहे करिया से ए बाबू ई गढ़ तोहरे मान के नाय समय हाथी समय घोड़ा समय तोपी सजावल बाय। सिपाही के कहने से करिया को विश्वास नहीं आया, कहा कि झूठ कहते हो, कहे बढ़ के देखा। करिया जब बढ़ के देखले हिल गए पेड़ुरी करिया सिंह के कहले सिपहियो चल भाग जल्दी भागा जल्दी भागा ई गढ़ के हु मान के नाय बावन गढ़ इकट्ठे आयल अब्बे हुर दी है तलवार जे जैसे ते तैसे भागल केहू के केहो खोजत हो नाय तंबू कनात वहीं पर छुट गए करिया धरे पतर की राह करिया नेपे नेपे भागे जस जोनहरी से भगे सियार हाँ भैया देखिए अब समय लौटली देवला पैदा ले ला नरो दल बले
रुदल के मऊसा रहे बहुत खुशी मनोले की दुई लाल हमरे घर में पैदा भए अब मोहबा के हो वार। लेकिन पंडित जी के जब नक्षत्र सुधौले तो पंडित जी कहे कि राड़क लड़ी को फाड़ भई के जल मलय करे से परी तलवे बाप के बदला ले अमाड़वा में एक रूदल सिंह हो नाय में औ एक गोड़ में बसिया साली चर तो एक अखियई बसिया तवाए जौने किला पपैर जमाई बर बस किलावा दे तोड़वाए जौने घर लड़की सुंदर देखिया बर बस डोलिया ले बहिराए बाप तो बदला ले मारो में तो खनी के लिखी लवे दे गिरवाए नमवा बताई के पंडित घर चली गए माहिल सुनी के गैया पगलाए ए भगवान ये कठौरे के मरवली तब ले दूसर भैयाल तैयार जौने समय में माहिल पहुंच के छठी बरही के दिने रुदल के मरवा देलस रुदल लड़का के मरवा देलस कैसे मरवा देलस कलस की हे बहन नन्हे फूल है भगवान को प्यारे लगते हैं लेकिन हम तोरे बलवान पुत्र पैदा भेल बहुत खुशी में आधा खजाना घर के दी है लुटाए भाई नाच दुआरे हो थे लेकिन पंडित जी से जब नक्षत्र सुधावल तो पंडित जी कह दलन कि राक्षस जन्मत अपने बाप के खा गेल सयान होई खाई कुटुंब परिवार एकर गटई दबा दे मर जाए देवला कहत देवला कहलस कि भैया सही कहत हुआ माइल कह तुहार भाई हो के तोरे हक में बुरा ना कह भले कह देवला कलस की अपन जन्मल हम मोह लगत हियो कैसे गटई दबाई माहिल करे जहर घोर के पियाई दी जहर पीस के सीपी में ले के जब रुदल के ओंठे पर धैलस तब देखा बिरह भाव अरे मतरिया पगली अरे भय मतरिया पगली देहली हीरावा के जाहरवा मतरिया पगली जब जहर मुंह पर लगा देलस तो देखा रुदल के मौसी मलहना रहे देख लेलस खींच के एड़ा से मार देलस जहर गिर गए दू एड़ा माहिल के मरलस माहिल भागे जैसे जोनहरी से भागे सियार लेकिन दूसरे दिन माहिल फिर घात लगा देलस चुगुल चूतिया कभोन चूके चाहे सौ सौ जूता हाँ चुगला पहुंचल फिर मोहबा में देवला के अकंटे में ले जाई के दिहस बतियाए कि सारी नगरी जब सो जाती इसको कपड़ा में दो गठरी बनाए गठरी बना करके कपड़े में और जंगल में देव बहाए बस रतिया रैनिया महतरिया हो पगली ए बचवा के डलरी में कसी दहले बाए ले जाए के जंगल में मातरिया अब फेंक आ हीरावा जंगल वही में हो रही जाए रोवे लाल नवाई पछली करी रोवे लाल
बाबू जंगल के बीच मझार। कोई नहीं उठाने वाला था, लेकिन देखिए ऊपर वाले की अद्भुत माया है। आह, दोपहर की टाइम ना, दोपहर की टाइम थी, सूरज का घाम करेर लगा जेठ दोपहरिया, तपती रहे हाथ पैर फेंकर डलरी से गिर गई ले नीचे, धरती गरम, कहां कहां लड़का जब रोवत, तब लिए कसाफ विशाल पहुंचल रुदल के छतिया पे चढ़ी जाए। आ एडा से पहुंचा सांप लड़का के, लेकिन ऊपर वाले दया हो देने आए। आए है ऐसा फैका टई के बादले में फन फैलाई के, लड़का के मुंह पे छाया कई देले बाय। आहा, लेकिन लड़का छाया तो पाया, लेकिन किसी को डाल दीजिए। कोमल बच्चा जब रो रहा था, तब ले एक बाघिनी पहुंचली खाए बदे, ए सोच शिकार बढ़िया मोर बाए। आहा, ए देख बगिलिया के, ए भैया नगवा सफवा छोड़ी के चलल पराए, बाघिनी पहुंचली जब लड़िका लगे, ए लड़िका के खाए बदे मुंह।